इस्म या मतीनू के फायदे। अगर कोई शख्स इस्म या मतीनू कसरत से पढ़े तो इंशाल्लाह ताला जो शख्स उसे देखे उससे मोहब्बत करे, उससे दोस्ती करने पर मजबूर हो। यानी इस इस्म के जिक्र करने वाले को सब अपना दोस्त रखते हैं। अगर किसी औरत का दूध कम उतरता हो, बच्चे के लिए काफ़ी ना हो, तो या मतीनू लिख कर उस औरत को पिलाया जाए तो इंशाअल्लाह ताला दूध में इजाफा होगा। पिलाने का तरीका ये होता है कि किसी भी इस्म को जो कहा जाता है पिलाने को, उसको चीनी की प्लेट पर लिख कर उसमें पानी डालकर उसको घोल कर वो पिलाया जाए, या किसी कागज़ पर लिख कर और पानी की बोतल में डालकर फिर उस पानी को इस्तेमाल किया जाए, और जो लिखा होता है वो इंक से ना हो बल्कि तावीज़ात लिखने की अलग से ज़ाफ़रान वगैरह का जो तरीक़ेकार तावीज़ वालों पे होता है उससे लिखाया जाए ताकि स्याही से कोई नुकसान वगैरह ना हो। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी औरत की जिसका दूध बच्चे के लिए काफ़ी ना हो तो दूध में इजाफा होगा। सवाब की नीयत से शेयर करें और वजीफ़ों के लिए विज़िट करें वजीफ़ा.smsvarsi.com।